दोस्तों, हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नई बायोग्राफी के साथ। आज के बायोग्राफी में हम आपको उनसे मुलाकात करके देंगे जिन्होंने अपने एक्टिंग के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर लाखों दिलों के दिल जीत लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम बुलाए हम आ गए। भारतीय फिल्म अभिनेत्री, सहायक निर्देशक और मॉडल श्वेता त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई 1985 को दिल्ली में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी हिंदी फिल्म उद्योग में सहायक निर्देशक, मॉडल और अभिनेत्री होने के साथ साथ एक फैशन डिजाइनर और एक फोटोग्राफर भी है। श्वेता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में DPSRKpuram से ली और उसके बाद निप दिल्ली से अपना ग्रेजुएट कम्प्लीट किया। अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद श्वेता त्रिपाठी ने दिल्ली से मुंबई चली आई अपना करियर बनाने के लिए। उन्हें फोटोग्राफी का शुरू से ही शौक रहा था और इसी कारण मुंबई आके टेलीविज़न उद्योग की तरफ शुरू में अपना रुख नहीं किया, सीधा एक फोटोग्राफ संपादक के रूप में कार्य करने लगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम में और तुम्हारे भैया में बहुत एज का गैप है। इसी तरह मायानगरी में अपना संघर्ष जारी रखा आगे बढ़ने के लिए और फिर 2009 में प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक क्या मस्त है लाइफ में काम किया और इस शो में टॉम बॉय लड़की की भूमिका अदा की और इसमें उनका नाम था जैनी खान। तुम ऋतु को अपनी स्टडीज के बारे में नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ऋतु को अपनी स्टडीज के बारे में कुछ भी बताया, You will never be able to study in peace। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और यही से शुरुआत की अपने अभिनय की। आखिरकार मेहनत सफलता पाने लगी और वर्ष 2011 में अपनी फिल्म की शुरुआत की जो कृष्णा नामक ब्रिटिश स्वीडिश भारतीय फिल्म थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी उबर विलिस पर आधारित कहानी थी। और यह फिल्म 9 मार्च 2012 को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रीमियर हुई और उसके बाद फिल्म को रिलीज कर दिया गया, जिसे दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। फिर 2015 में फिल्म मसान से अपना कदम रखा बॉलीवुड फिल्मों में और इस फिल्म का निर्देशन नीरज घेवन ने किया था। इस फिल्म में संजय मिश्रा, ऋचा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी और विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और शायरी बहुत पसंद है। शायरी? जी, बशीर बद्र, अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब का नाम तो सुना होगा आपने। वह वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के सीजन 1 में गोलू गुप्ता की भूमिका में नजर आई थी। वही शो मिर्ज़ापुर 2 के अपकमिंग सीजन में श्वेता त्रिपाठी गुड्डू भैया के साथ कारपेट ब्रदर पर बदला लेती नजर आई। श्वेता त्रिपाठी ने गोलू गुप्ता का किरदार निभा कर फैंस का दिल ही जीत लिया। जगामनी गुप्ता उर्फ गोलू, आपके प्रेसिडेंट कैंडिडेट। और उसके बाद 2017 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म हरामखोर में काम किया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, त्रिमाला अधिकारी, मोहम्मद इरफान ने अपनी भूमिका को निभाया और इस फिल्म के डायरेक्टर श्लोक शर्मा थे। सुनीता को क्या बोलोगे, कहाँ गए थे? बोल देंगे शहर गए थे साड़ी लेने। साड़ी का है? सुनीता कहाँ है? श्वेता ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द गॉन गर्ल से भी सबका दिल जीता। वुड की इस सीरीज में श्वेता त्रिपाठी ने अमारा गुजराल का किरदार निभाया था और अपने टैलेंट के बल पर हमेशा वो अपने फैंस का दिल जीत लेती है। डैड, मैंने हॉस्पिटल फोन किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहिल गुजराल नाम का कोई पेशेंट एडमिट ही नहीं हुआ था। यानी कि दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो टेलीविज़न हो या वेब सीरीज़ हो या कोई मूवी या फिर किसी और क्षेत्र में, श्वेता ने अपना हर कदम 100% ही दिया है और अपने फैंस का दिल जीत लिया है। श्वेता के हाल ही के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उसने ये काली काली आँखें सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसमें उसने अपना किरदार निभाया था काली काली, और इसके लिए फैंस की तरफ से उसको काफ़ी प्यार भी मिला। वही उसको द मैन मैगजीन के लिए भी चुना गया और अन इरिस पोएट्री में भी उसके कई सारे शो होते हैं जहां लोग उसके पोएट्री को काफ़ी पसंद भी करते हैं और वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी चलती है। और जिस दिन तुम्हें प्यार की ज़रूरत होगी, भीड़ में भी अकेला पाओगी खुद को। यानी कि दोस्तों, श्वेता त्रिपाठी जो है अपने एक्टिंग क्षेत्र में ही नहीं तो अलग अलग क्षेत्र में भी भाग लेती है और हमेशा अपना 100% देती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी श्वेता त्रिपाठी की
वेब सीरीज या फिर मूवी ज़्यादा पसंद आई हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या इस बायोग्राफी से श्वेता त्रिपाठी आपको इंस्पायर करती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी बायोग्राफीज़ के लिए जुड़ी रही है सिनेटॉकर्स के साथ।